ये क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट है और इस पीडीएफ में मैं बात करूंगा क्रेटा ओनर एक्सपीरियंस का। लगभग एक हफ्ते में ये गाड़ी हम लोगों ने 900 किलोमीटर के आसपास चलाया है, आप देख सकते हो। और इस वीकेंड हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप भी किया था, तो जैसा मैंने सुना था उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छी लगी। दो वजह से मैंने ली थी क्रेटा। पहला था इसका पैनोरमिक सनरूफ देखो, और दूसरा मैं अभी जस्ट बताता हूँ। तो दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ कि अगर आप रात को ये गाड़ी लेकर के निकल रहे हो तो नाइट विज़न के लिए बिल्कुल ही बहुत अच्छी है। मतलब आपने इवन कई सारी वीडियो में भी देखा होगा कि इसका जो लाइट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब ब्राइट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रात को ये चलाने में। और लगभग 900 किलोमीटर चलाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक एक हफ्ते में, मतलब बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ जिसके वजह से मैंने ये SUV चूज़ किया था, तो वो भी सनरूफ ही है, क्योंकि बाकी सारे फीचर जो आपको चाहिए इसमें वो मिल रहे हैं। ये क्रेटा केस ऑप्शनल है, पेट्रोल वर्जन है। लगभग जो भी अगर मैं बात करूँ इसके सीट कंफर्ट की, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हो। इसके लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी हैं। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, और अगर और कुछ डिटेल में चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, तो फ्यूचर में मैं मतलब इस तरह के कुछ वीडियो बना पाऊँगा इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो।